भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा, तो मंदिर आंदोलन की बात तो होगी। मंदिर आंदोलन की बात होगी तो राम भक्तों पर गोलियां बरसाने की भी बात होगी, और राम भक्तों पर गोलियां बरसाने की बात होगी तो समाजवादी नेता मुलायम सिंह का भी जिक्र आना स्वाभाविक ही है, क्योंकि उन पर राम भक्तों पर गोलियां चलवाने के आरोप लगते रहे। यही आरोप इस बार मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले विनय कटियार ने लगाया। बजरंग दल के संस्थापक हिंदुत्ववादी नेता विनय कटियार ने कहा, आज राम मंदिर आंदोलन सफल हो गया। मुलायम सिंह यादव को अयोध्या आकर भगवान राम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाकर पूरी अयोध्या को रक्त रंजित कर दिया था, जिसमें दो सगे भाई कोठारी बंधु शहीद हो गए थे। आज राम मंदिर आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अयोध्या में मंदिर निर्माण होता देख 65 साल के विनय कटियार ने मथुरा काशी के लिए भी हुंकार भर दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद अब काशी और मथुरा की बारी, कुछ दिनों में तय किया जाएगा कि पहले कहां जाना है। कोरोना वायरस संकट काल में आयोजित हो रहे भूमि पूजन समारोह में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे, साथ ही वो हनुमान गढ़ी में पूजा अर्चना भी करेंगे। लेकिन इस दौरान कई दिग्गज जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं में विनय कटियार का नाम भी जुड़ गया। उन्होंने भी अयोध्या आने में असमर्थता जता दी। बहरहाल विनय कटियार ने जहां मुलायम सिंह से माफी मांगने के लिए कहा, तो वहीं सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने भी भविष्यवाणी कर दी है कि जब भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा, अखिलेश यादव पहले नेता होंगे जो मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाकर रामलला का आशीर्वाद लेंगे।